कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं आपके लिए कंप्लीट वन मंथ के बाद एक नया व्लॉग लाया हूँ। तो गाइस, ये व्लॉग जो है ये है एक आउटिंग टूर। तो ये जो है ये मेरी समर वैकेशन की सेकेंड आउटिंग टूर है। तो इस आउटिंग टूर में ना हम लोग आए एक रिजॉर्ट में। इस रिजॉर्ट का ना आप में से 99% लोगों को नाम नहीं पता होगा, तो इसका नाम जो है वो आपको दिखाता हूँ। इस रिजॉर्ट का नाम है सेरेंडिपिटी। और गाइस, ये जो रिजॉर्ट है ये कुछ इस टाइप का है गाइस, बहुत ही प्यारा रिजॉर्ट लग रहा है। तो गाइस यार, ये जो रिजॉर्ट है ये भंडारा से अप्रोक्स 225 किलोमीटर अवे है। तो बहुत हालत ख़राब होगी क्योंकि पूरा जिगजैग वाला रोड है। तो देखते हैं, जितना जिगजैग वाला रोड है उतने कुछ अच्छा है रिजॉर्ट। तो देखते हैं गाइस अंदर से। ये है इसका रिसेप्शन काउंटर, तो बहुत बड़ा लग रहा है यहाँ से तो। और गाइस, मैंने भी अभी तक इसको देखा नहीं, आपके साथ ही मैं देख रहा हूँ। और गाइस, इस रिसेप्शन काउंटर को तो देख के भाई तबीयत भाई ठीक हो गई। देख सकता कितना अच्छा रिसेप्शन काउंटर है यहाँ का, एकदम रॉयल वाली फील आ रही है भाई। हमारी तबीयत ठीक हो गई इतना रॉयल फील देख के। मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं एकदम हवा ठंडी ठंडी चल रही है। और गाइस यार, ये जो रिजॉर्ट है ना गाइस, ये है एक एमपी में एक जगह है तामिया करके, वहाँ पे ये रिजॉर्ट है। तो यहाँ पे ना अभी हम इसको अंदर से देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो चलते हैं गाइस यार, जैसे कि हम लोग यहाँ से रिसेप्शन काउंटर से हम दो कदम सामने आए तो यहाँ पे हमें दिख चुका है बोटिंग के लिए एरिया। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है बोटिंग के लिए रूल्स वगैरह, तो कुछ ऐसा है। तो मैं आपको झट से दिखाता हूँ और व्यू इसका और दूसरी जगह भी चलता हूँ। तो गाइस, दिस इज द डाइनिंग एरिया ऑफ सेरेंडिपिटी। तो गाइस देख सकते हैं, बहुत बड़ा डाइनिंग एरिया है ये। और यहाँ पे ना कुछ लोग अंदर हाईटी का मज़ा भी ले रहे होंगे। वैसे मैं आपको बता दूँ, हमारे साथ पूरे 5 फैमिलीज आए हैं। तो गाइस, हमें अभी लंच हुआ है। तो गाइस, अभी हम लोग तो सब विला में सोए थे, मैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए आ गया। तो गाइस यार, देख सकते हैं आप लोग, कुछ इस टाइप का है डाइनिंग हॉल है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा एक गेट लगा रखा है और कुछ इस टाइप का डाइनिंग हॉल है। और फिर यहाँ से हम बाहर निकलेंगे। हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है गाइस स्पा। और गाइस यार, स्पा में ना यहाँ पे बहुत सारे मतलब बहुत महंगा ही रेंट होगा। और गाइस ना, हमने हमारी खुफिया जानकारों से पूछा तो ये पूरा रिजॉर्ट गाइस यार पूरे 7 एकड़ में फैला हुआ है। और गाइस, यहाँ पे कुछ भी फ्री नहीं है, खाली बस ब्रेकफास्ट जो है वो फ्री है कॉम्प्लीमेंट्री में शायद से। और ये तो है हमारा स्पा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ का रिसेप्शन बहुत अच्छा है। और गाइस, यहाँ पे सभी ट्रीटमेंट वगैरह हो जाते होंगे शायद से, अरोमा आयुर्वेदिक वगैरह सब। और गाइस, यहाँ पे बहुत महंगा है ये, हमने पूछा तो खाली एक बंदे के 3200 बोल रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा होता है गाइस। तो यहाँ पे हमारा प्ले जोन है। और गाइस, ये छोटा सा प्ले जोन जो है ये खाली मतलब फ्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है, देख सकते हैं आप। तो गाइस, चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है गाइस यार, मेरा फेवरेट स्विमिंग पूल। तो यहाँ पे हम जाएंगे और देख सकते हैं गाइस, कुछ इस तरीके का स्विमिंग पूल है ये, कुछ इस टाइप का एरिया है स्विमिंग पूल के लिए। बट गाइस, आई एम सो अनलकी बिकॉज यार यहाँ पे ना 14+ ही अलाउड है और मैं तो अभी 9 साल का हूँ, तो मैं अलाउड नहीं हूँ। तो गाइस, चलते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जो कि है गाइस विला।
Skeletons living in my chest. I feel my feelings way too strong. Wish that you could turn a heart off. तब कितने सारे विलाज है गाइस यार, ये कम से कम ये 15-20 विलाज है गाइस। और ये सबसे बीच वाला हमारा विला है, देख सकते दोनों तरफ फूल वगैरह उगे हुए, पेड़ है इतना बड़ा। और गाइस कुछ इस टाइप का है ये, और यहाँ पे ना कुछ अलग ही फीलिंग आ रही है, रॉयल की, रॉयल टाइप की। इसलिए तो गाइस यार इसका रेंट था 10,000 है। तो यहाँ पे बैठने के लिए एरिया वगैरह भी दे रखा है। और गाइस ये है, ओ माय गॉड गाइस, तो एक कितना अच्छा रूम है, मैं तो शॉक हो गया। तो देख सकते हैं आप कुछ इस टाइप का रूम है, यहाँ पे बेड है और यहाँ पे सिटिंग एरिया है। और ये है गाइस एक एरिया जहाँ पे हम टी कॉफ़ी वगैरह बना सकते हैं। और यहाँ पे मेरी फ्रिज है। और गाइस यार ये देख सकते हो, ये मिरर कितना अच्छा लग रहा है, एकदम रॉयल फील दे रहा है गाइस ये। और ये वॉशरूम है, तो देख सकते हो कितना अच्छा है, एकदम बढ़िया। और इसमें ना गाइस यार ऊपर भी एक सिटिंग के लिए एरिया है, देख सकते हैं। और यहाँ पे गाइस टीवी भी है। सो गाइस यार देख सकते हो आप, तो कुछ इस टाइप का है, सिटिंग का एरिया है। और गाइस ने यहाँ पे एसी की ठंडी ठंडी हवाएं भी लग रही है। तो गाइस मैं आपको अभी रिजॉर्ट का और पार्ट भी दिखाता हूँ। तो गाइस यार कुछ इस टाइप का हमारा ये ऊपर का सेटिंग के लिए एरिया है, तो देख सकते हैं आप। और गाइस यार ये देखिए पूरा रूम का एक टोटल व्यू, तो बहुत प्यारा रूम लग रहा है। तो मैं आपको ना गाइस रिजॉर्ट का कुछ और पार्ट भी दिखाता हूँ। गाइजर ये सब तो ठीक है, विलास तो ठीक है, बट गाइजर अगर आपका थोड़ा बजट नहीं होगा ना, तो इसमें आप रह सकते हो, थोड़ा ना झोपड़ी टाइप है, आई एम सॉरी गाइज। तो ये कुछ थोड़ा सस्ता वाला बजट लोगों के लिए है, पर ये तो गाइज देखने बहुत ज़्यादा सस्ते लग रहा है, तो ठीक है। पर जिनको जिनका बजट कम होगा तो उनके लिए ठीक है। तो अब मुझे गाइज थोड़ा एंजॉय करने दो, और बाकी के वीडियोज मैं आपके लाते रहूँगा। अभी ना रात हो चुकी है, जैसे आपको दिख ही रहा होगा। और गाइस यार नाइट पार्टी के लिए गाइस हम लोग आए हैं डिस्को डांस में, तो लेडीज वगैरह गाइस नाच रहे हैं, तो दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइस यार अभी मैं भी इनको ज्वाइन करता हूँ, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। दिस इज़ द सेकेंड डे ऑफ अवर रिजॉर्ट। और गाइस ना हम ना रिजॉर्ट की दूसरी तरफ आए हैं, और यहाँ पे ना मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ, यहाँ पे ना गाइस कुछ कॉटेजेस बने हैं, यहाँ पे भी रूम के ऑप्शन अवेलेबल है। ये थोड़े ना जिनका बजट नहीं है उतना उनके लिए है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। और गाइस एक मज़ेदार बात ये है कि सारे कॉटेजेस के नाम अपने सूर्य भगवान यानी कि सन के ऊपर है, जैसे कि भानु वगैरह वगैरह। तो मैं आपको भी कॉटेजेस दिखाता हूँ गाइस। चुके हैं हमारे रिजॉर्ट के बिल्कुल ही पास में ना माउंटेन व्यू देखने के लिए, तो गाइस मैं आपको भी दिखाती हूँ, इतना प्यारा नज़ारा है ना, मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। जरा आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम एकदम माउंटेन के टॉप पे आ चुके हैं, हाइकिंग करके, आई मीन टू से ट्रैकिंग करके गाइस। गाइस यार ये देखिए पूरा नज़ारा इतना अच्छा लग रहा है, और ये गाइस माउंटेन देखिए।
एकदम अच्छे से दिख रहा है, सनसेट भी दिख रहा है। सो अभी हम एक और तो गाइस आपने जैसे कि हमारा माउंटेन का व्यू तो देख लिया है, तो अभी हम दूसरे डेस्टिनेशन के पास जाते हैं। अभी हम लोगों का जो है डे टू है मॉर्निंग का, तो अभी ना हम लोग रूम को चेकआउट कर रहे हैं, बिकॉज गाइस यार हम हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पातालकोट की तरफ जा रहे हैं। तो अभी हमें इस प्यारे से रूम को टाटा बाय बाय कहना होगा। और गाइस मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये जो पूरा रिजॉर्ट है गाइस इसमें आप आ सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा रिजॉर्ट है, मैं इसको 5 out of 5 दूंगा गाइस। और आप ना इसको विजिट कर सकते हैं। और मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दूँ कि गाइस ये जो है रिजॉर्ट, ये ना नागपुर के एक डॉक्टर का है, बाबुल का ऐसा कुछ नाम है उनका, वो ऑर्थोपेडिस्ट है। और गाइस तो इनको ये रिजॉर्ट बनाने में 15 crore का बजट लगा था, जो कि बहुत ज़्यादा होता है गाइस। और अभी टाटा बाय बाय कहते हैं गाइस रूम को। गाइस और अभी हम अपने रूम को, प्यारे से रूम को ताला लगा देते हैं। तो गाइस मिलते हैं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।